नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बांदा पुलिस लाइन में स्थित पुरानी बैरक का छज्जा गिरा, देर रात हुआ इस बैरक में बड़ा हादसा। बैरक के मलबे में दबकर एक पुलिसकर्मी हुआ घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिसकर्मी को देखते ही डॉक्टर ने किया मृत घोषित। मौत की खबर सुनते ही पुलिस महकमा हुआ गमगीन। घटना की सूचना पर एसपी सहित जनपद के कई थाने व चौकी की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। चार जेसीबी को आनन फानन बुलाकर शुरू किया गया रेस्क्यू। मलबे में पुलिस कर्मियों के दबे होने की आशंका पर चलाया गया रेस्क्यू। लगभग एक घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू। मृतक कांस्टेबल सोनेलाल यादव कानपुर देहात का था निवासी। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन? घटना बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन परिसर की है। बांदा पुलिस लाइन में 7-8 की रात को लगभग 1:15 बजे एक आधा हिस्सा मीटिंग हॉल के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसके आधे हिस्से में जो ओपन वरांडा था वो रात को कर कुछ उसका हिस्सा गिर गया। उसमें हमारे एक जवान कांस्टेबल सोनेलाल यादव वहाँ भाग सो रहे थे, उनको उसमें गंभीर चोट आई। तत्काल उनको रेस्क्यू करते हुए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया, परंतु वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद तत्काल मौके पर सभी अधिकारी द्वारा पहुंचा था और वहाँ पर जितना भी मलबा था उसको साइड पर करवा के उसको चेक करवाया गया। पुलिस क्षेत्र को इनके परिवार को सभी को सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी मतलब पुलिस विभाग की तरफ से परिवार के लिए नियमानुसार होगी। डॉक्टर, गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति को लाया गया है, क्या है मामला और कैसी उसकी हालत है? यहाँ पर पुलिस लाइन से एक पुलिसकर्मी को गंभीर अवस्था में लाया गया था। उनका एग्जामिनेशन करने पर उन्हें मृत पाया गया। उनके शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। क्या जानकारी हुई है? उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया है कि बैरक गिरने की वजह से उनको चोट लगी थी, उसके बाद उन्होंने